दोस्तों कक्षा 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 पद्य विभाग में से चैप्टर नंबर 2 है पद मीरा के पद में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज काव्यांश नंबर 3 में हम थोड़ी सी बातें करने वाले हैं। मीरा जी ने लिखा है, मोर मुकुट पीताम्बर शो है गलवे जयंती माला, वृंदावन में गेनू चरावे मोहन मुरली वाला। मीरा जी क्या लिखती है, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे भगवान, आपने माथे पर मुकुट धारण किया है, उसमें मोर पंख सुंदर लग रहे हैं, और आपने जो पीताम्बर मतलब जो कपड़े पहने हैं, पीले वस्त्र जो पहने हैं, वो पीताम्बर सोहे माने सुंदर लगते हैं, और आपके गले में जो वैजंती नाम के फूलों की माला है वो भी आपको सुंदर लगती है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, और आप वृंदावन में मतलब वृंदावन में गेनू माने गाय चराते हैं, गाय चराने के लिए गए हैं। मोहन मुरली वाला, मोहन मतलब मन को मोह लेने वाला, आप मुरली बजाते हैं, मधुर मुरली बजाते हैं, सुंदर मुरली बजाते हैं, तो आप ऐसे हैं दूसरों के मन मोह लेते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा बीच बीच राखू बारी, मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी कहां पर, तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने मैं एक ऊंचा महल बनाऊंगी, और उस महल में थोड़ी थोड़ी जगह पर छोटी छोटी बारियां रखूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें उन बारियों से देखूंगी और देखा करूंगी। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगा बीच बीच राखू बारी, सावर यारा दर्शन पाशु पहर कुसुम विशाली। मीरा अपने पति को सावरिया प्रियतम मानती थी, सावरिया रे मारो सावरिया, तुम मेरे सावरिया हो, तुम मेरे प्रियतम हो, तेरे दर्शन करूंगी, और मैं कुसुम्बी रंग की सुंदर साड़ी पहनकर आऊंगी तुमसे मिलने के लिए, कहां पर, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरा तीरा, जमुना नदी के तीर पर आधी रात को तुम मुझे मिलने के लिए हे भगवान आना, मुझे दर्शन, मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए अधीरी हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहती हूँ। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हे मेरे गिरधर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, तुझे मिलने के लिए हिवड़ो गणो अधीरा। हिवड़ो माने हृदय, मेरा जो हृदय है वो आकुल व्याकुल हो चुका है, वो तुमसे मिलने के लिए मैं बेचैन हो चुकी हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ भगवान। तो दोस्तों ये सब बातें मीरा ने कही है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ नई बातों के साथ, एक नए चैप्टर के साथ।